नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज़ और मैं आपके साथ ज्योति राघव। हम आए हैं आज वाटिका इन्फोटेक सिटी के अंदर, जो कि नियर टोल प्लाजा के पास में है। यहाँ पे एक लुकास कैफ़े रेस्टोरेंट अभी ओपन हुआ है, आज उसका इनॉग्रेशन है। तो आज हम यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे, रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया है, क्या कुछ नया है, यहाँ के आसपास का एरिया कैसा है, उस बारे में हम ओनर से भी बात करेंगे और जानेंगे। अभी हम यहाँ के ओनर मुकेश चौधरी से बात करेंगे और जानेंगे उनके रेस्टोरेंट के बारे में कि किस तरीके से वो यहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मुकेश है, मैं पास में ही है बगरू टाउन, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये बिजनेस मेरे फोर फादर से है, मतलब एक तरीके से मान लो पेरेंटल बिजनेस है हमारा। और एक ढाबे से स्टार्टिंग की थी पापा ने, तो आज एक होटल है, ये रेस्टोरेंट ओपन किया है। ये मेरी छोटी सी जर्नी है। सर, आज आपके लिए इतना बड़ा दिन है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, प्राउड फील तो हो ही रहा है, साथ साथ में मेरे ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात हो रही है और आगे चल के इसको और बड़ा करेंगे। सर, यहाँ पे आसपास में जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे रिजोर्ट हैं, तो जो आपके कंपटीशन में है, आप उनको किस तरीके से कंपटीशन दे पाएंगे? देखो, कंपटीशन मतलब क्वालिटी सबसे बड़ा वो होता है इसमें रेस्टोरेंट में। अगर क्वालिटी देंगे तो कंपटीटर कोई सामने टिक नहीं पाएगा, और अगर क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कोई भी इसमें फेल है। सर, अभी तक तो हमारा न्यू ग्रैंड ओपनिंग है, तो बेसिकली हमने एक मेन्यू, एक सिलेक्टेड मेन्यू स्टार्ट कर रखा है। बट एज सुन एज पॉसिबल डिमांड क्या चीज़ की हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है, कस्टमर के, गेस्ट के, उसके हिसाब से हम अपने प्लानिंग के हिसाब से कुछ नया मेन्यू पैकेज बना। उसमें हमारे पास अभी जो ट्रेडिशनल फूड में अपने पास इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, कॉन्टिनेंटल और कुछ राजस्थानी ट्रेडिशनल में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। बट अभी कैसा रिस्पॉन्स मिलता है फिर इसके बाद हम देखते हैं। और आई थिंक एक दिन के बाद अभी हम नहीं बता पाएंगे अब क्या कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ हम नए नए चीज़ें हम मेनू मार्केट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैं यूथ को दूंगा। पहले तो जो ओनर है मुकेश जी, इनकी टीम, उनको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस एरिया में ग्राम पंचायत टिकरिया में जो वाटिका सिटी है, इसमें अच्छे रेजिडेंस जो थे और यहाँ ऐसे स्पेस की बहुत ज़रूरत थी, नीड थी पहले से ही, पर ऐसी कोई सेटअप अब तक इनको प्रोवाइड नहीं हो पाया था। मुकेश जी, इन्होंने अच्छा सोच है इनकी, इन्होंने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है यहाँ। और जब ये स्टार्ट कर रहे थे तब मेरी बात हुई इनसे, तब इन्होंने कहा कि हम एक फैमिली, एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट वाला रेस्टोरेंट अब कैफ़े यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। और कल जब मैं मिला और आज भी आया हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसा ये कह रहे थे वैसा ही इन्होंने सेटअप किया है। और मैं तो आसपास की जो फैमिलीज़ हैं, जो यूथ है, उनको भी कहना चाहूँगा कि आप अच्छे एनवायरनमेंट वाली जगह पे यहाँ आएँ। आज लुकास कैफे एंड रेस्टोर का शुभारंभ था, और यहाँ आने के बाद यहाँ का स्टाफ का और सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और यहाँ की जो वेलकम ड्रिंक थी वो भी अच्छी थी, और यहाँ की नाश्ता, और सबसे अच्छा तो स्प्रिंग रोल बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी है, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अच्छा अभी ये रेस्टोरेंट बना है। अब कस्टमरों के लिए आज से शुभारंभ किया है इसका। इसमें नया देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ जो स्पेस है और क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान रखा जाएगा, सबसे बेस्ट यही रहेगा। और इसके आउटलेट और खोलने की